नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। झारखंड के धनबाद के निरसा में बेटी का सम्मान। इंटरनेशनल ड्राइंग प्रतियोगिता में परचम लहराने वाली निरसा की बेटी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। ये कहावत है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ ऐसा ही वाक्य को सही साबित कर दिखाया निरसा भालजोरिया स्थित कुम्हार टोली निवासी अभिमन्यु कुमकार की बेटी कृतिका कुमारी ने। पिकासो द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ड्राइंग प्रतियोगिता 2023 में सम्मिलित होकर भारत का परचम लहराया। इसी उपलक्ष्य में निरसा के भालजोरियो में धनबाद जिला प्रजापति संघ द्वारा कृतिका कुमारी को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पिकासो द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में कुल 46 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कुल 1650 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से कृतिका ने अपने देश का परचम विदेश में लहराया, जिसके लिए कृतिका कुमारी को डायमंड आर्टिस्ट एवं गोल्ड आर्टिस्ट से सम्मानित किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में गुरुवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया। जानकारी देते हुए कृतिका कुमारी ने बताया। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। मिडिल क्लास के हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं उन तमाम बच्चों से कहना चाहूँगी जो मिडिल क्लास से हैं कि सबसे बड़ी ताकत होती है मनोबल। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई भी रुकावट अगर आपके सामने आए, कोई आपको नहीं झुका सकता, कोई भी ऑब्स्टिकल आपको नहीं रुका सकता, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास किताबें नहीं हैं, अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, आप फिर भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता हमेशा, अगर आप सफलता चाहते हैं तो हमेशा आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अंत में मैं एक डायलॉग बोलना चाहती हूँ कि सफलता अगर एक पहाड़ है तो हम भी दशरथ माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बच्चे को देंगे, उसके माता पिता को देंगे, उसके ग्रैंडफादर को देंगे और पूरे समाज के। आज जो इन्होंने करके दिखलाया है, इसमें आज से 2 साल पहले हम लोग ने इनको टॉपर की थी, वहाँ प्रजापति भवन में सम्मानित किए थे। आज हमको देखने को मिला है जो बच्ची लोग को जो हम लोग सम्मानित इसलिए करते हैं जो आज खास वो देखने को मिल गया है, जिन्हें ऊंचे की ओर जा रही है। एक अमिताभ बच्चन का फादर का भी कहना है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। और हम लोग पढ़े थे बहुत पहले, विद्या धन उदम बिना कहे जो पावे कौन, बिना डुलाइए न मिले जो पंखे का पौन। तो आज ने बेटी जो मेहनत कर रही है उसको कहीं ना कहीं इसको हासिल मिलेगा ही, और समाज इसके पूरे तन मन से हम लोग धन से साथ है। जहाँ जरूरी पड़ेगा हम लोग को फोन करेंगे, हम लोग वहाँ हाजिर होंगे।